परीक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 12वीं की परीक्षा 18 फरवरी 2020 में शुरू होगी और 18 मार्च को खत्म होगी, जबकि 10वीं की परीक्षा 3 मार्च से ली जाएंगी। अंतिम पेपर 23 मार्च को लिया जाएगा। मंडल ने परीक्षा के संबंध में अधिकृत जानकारी अपनी वेबसाइट पर mahashsseboard.in पर उपलब्ध कराई है। वहीं दूसरी ओर से नागपुर से खबर आ रही है, क्राइम ब्रांच के हाथ लगा सेंटमार्क, 7 वारदातों का खुलासा हुआ है। 7 वारदातों का खुलासा जहां 1.32 लाख का माल जब्त किया गया है। नागपुर क्राइम ब्रांच के एक दस्ते ने गश्त के दौरान संदेह के आधार पर सेंटमार्क को पकड़ा। पूछताछ के दौरान उसे 7 वारदातों का खुलासा हुआ है। अब तक 1.32 लाख रुपए का माल पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी योगी अरविंद नगर निवासी राहुल कमल मणिकपुरी 27 साल का बताया जा रहा है। राहुल पहले भी सेंटमार्क में पकड़ा जा चुका है। 13 अक्टूबर को दोपहर पुलिस दस्त यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में गश्त कर रहा था। वहीं दूसरी ओर से एक खबर आ रही है, नागपुर में डीजल चोरी करने वाली गैंग बंदी, 6 गिरफ्तार, चोरी का वाहन भी जब्त। रास्तों पर पार्क भारी वाहनों से डीजल चोरी करने वाली गैंग को अजनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नाबालिग सहित 7 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे वाहन चोरी के 2 वारदात भी उजागर हुए है। कर्मेश्वर निवासी स्वप्निल अखंड 29 साल का है। हंसा ट्रैवल की बस में वह चालक है। 11 अक्टूबर को शताब्दी चौक पर स्वप्निल ने बस खड़ी की और भीतर ही आराम कर रहा था। रात के 3 बजे के दौरान स्वप्निल को कुछ आवाज सुनाई दी। नीचे उतर कर देखा तो 2 लोग टंकी से डीजल चोरी कर रहे थे। जहां स्वप्निल की आवाज सुनते ही आरोपी अंदाजन 50 लीटर का डीजल लेकर भाग निकले। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने गोपनीय जानकारी के आधार पर जय भीम नगर निवासी बबलू धापड़े चिराग, इंदिरा नगर निवासी पीयूष रंगारी, रूपेश बबलू मोरले और महेंद्र रमेश समर्थ को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग भी चोरी में शामिल था। वाहन सहित 2.40 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।